हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवाइजर हर्ष। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हर्ष पटले। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बिकॉज मैं आपको आज बताने वाला दोस्तों कि आपको अगर आपको बिजनेस के लिए कोई भी अगर आपको सर्टिफिकेट पानी है वो कैसे पाए, और उसके बदौलत आपको लोन कैसे मिलेगा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होगा वैलिड लोन। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले उद्योग आधार के बारे में बता देता हूँ। उद्योग आधार गवर्नमेंट का एक ऐसी योजना जो MSME ने लॉन्च की है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए एंड सर्विसेज बिजनेस के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इस वीडियो में मैं उसका रजिस्ट्रेशन और उसके फायदे और डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देता हूँ। आपको उद्योग आधार के फायदे ऐसे दोस्तों, इसमें एक 12 डिजिट का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोन के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं और आपका एक बिजनेस ऑनलाइन प्रपोजल के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल औपचारिक होती है और सिक्योर रहती है। जस्ट टाइप आपका आधार कार्ड जो होता है उसी के बेस के ऊपर रहता है। अगर सपोज आपको इसका और एक फायदा है, सपोज अगर आप लोन की प्राप्ति करते हैं किसी भी लोन के लिए, सपोज मान के चलते हैं मुद्रा लोन के लिए, तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट लगता है। तो यही एक सर्टिफिकेट है, जस्ट आपको गुमास्ता के समान एक काम करता है। अगर सपोज आपका कोई दुकान है, दुकान का गुमास्ता है, तो ये भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है आधार उद्योग। देन इसका डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन में आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, आपकी बैंकिंग डिटेल लगेगी, आपका बिजनेस का थोड़ा डिटेल लगेगा, देन आपका बिजनेस किस टाइप का है, कब स्टार्ट किया था एंड आपका जिला कौन सा है, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लगने वाली है। तो देखिए आप, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो उद्योग आधार के लिए सितंबर से कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, ठीक है, कितने MSME इंटरप्राइजेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं आप देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अभी आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक आधार नंबर चाहिए आपका, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के सिंपल प्रोसेसर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड पुट करना है, ठीक है, आपका आधार कार्ड पुट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है दोस्तों। आपका नाम लिखने के बाद में फिर आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वही आपको नाम यहाँ पे एंटर करना है, जिससे वैलिडेशन होता है फिर यहाँ पे आपका। देन आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है, आपको एक OTP आएगा और OTP को आपको वैलिडेट करना होगा। OTP वैलिडेट होने के बाद में आपका फॉर्म ओपन हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ पे आपको आता है कि आपका उद्योग आधार आपका आधार कार्ड का जो वैलिडिट है सक्सेसफुल हो चुका है आपका, ठीक है, अभी आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने एक ऑलरेडी एक MSME जनरेट किया। हाँ दोस्तों, मेरा एक बिजनेस है, मैंने उसका एक ऑलरेडी MSME तैयार किया है, और यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। सपोज आपका सोशल कैटेगरी क्या है, तो मेरा सोशल कैटेगरी, ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपका। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको आपका बिजनेस का नाम आपका ही नाम लिखना है। आपको सपोज मेरा नाम आधार कार्ड पे जो है मैं वही यहाँ पे आपका अपना नाम लिख रहा हूँ। और देन आपका जो बिजनेस है किस प्रकार का है, अगर आपका बिजनेस आप अकेले का है, या फिर आपका कोई चैरिटी है, या फिर पार्टनरशिप में, या फिर गवर्नमेंट के साथ में टाइप है, तो यहाँ पे आपको देखिए सोसाइटी है, ट्रस्ट है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो सपोज मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी, मतलब मैं अकेला ही अपने बिजनेस को संभालता हूँ। यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर लिखना है, देन आपको आपका बिजनेस आपका कहाँ पे है, सपोज मान के चलो उस प्लान का आपको नाम लिखना होगा, सपोज आपका इंडस्ट्रियल एरिया में है या फिर गांव में है, यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना है और यहाँ पे एड प्लांट करना है। एड प्लांट होने के बाद में आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, सपोज आपका घर का एड्रेस है, वो यहाँ पे लिखना है आपको। और यहाँ पे लिखना है आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था उसकी डेट लिखना है। और ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने आपका बिजनेस पहले ही अगर सपोज एक MSME क्रिएट किया है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर में क्लिक करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो NFA क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको भरना है आपकी बैंकिंग डिटेल, IFSC कोड, बैंक अकाउंट डिटेल। देन आप पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका बिजनेस किस प्रकार का, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर सर्विसेज यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपका मशीनरीज का बिजनेस है जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सर्विसेज का आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वाटर सर्विसेज हो गई या फिर कैटरिंग सर्विसेज हो गई, अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज मान के चलते हमने हमारा सर्विसेज पे काम है, तो मैं करता हूँ काम फूड प्रोसेसिंग का, मान के चलते, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आया ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आपके कौन से फूड प्रोसेसिंग के ऊपर कंपनीज है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग, ये मीट प्रोडक्शन, सपोज ये सारी की सारी, सपोज मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि वाटर ट्रांसप्लांट करने का काम करते हैं, या फिर आप जो भी यहाँ से आपको अगर आपको पॉइंट प्रॉपरली तरीके से आपको पढ़ना है और यहाँ से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा।
देन आपको आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं, मतलब आपके यहाँ एम्प्लॉय कितने काम करते हैं और आपका बिजनेस कितना है। सपोज आपका बिजनेस 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का है, वो आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको आपका जिला लिखना है, जहाँ पे आपका जिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको MS 20, मेरा महाराष्ट्र राज्य है जिससे मेरे को MH आएगा आपका, आपको ठीक है, जो राज्य के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और वो होने के बाद में फिर आपको सबमिट होने के बाद में आपको एक 12 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि यूनिट आईडी होगी, और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को लेके आप सपोज आपको मुद्रा लोन या फिर कोई गवर्नमेंट का बिजनेस का लोन मिलता है उसके लिए आप अप्लीकेबल हो जाते हैं, और वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सपोज आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिजनेस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, आपको बिजनेस लोन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।